चकार चांड तांडवम तनोत्तु ना शिवा शिवम तनोत्तु ना शिवा शिवम। पंडित जी ने जिसका नाम बड़े जतन से राजा राम रखा वो तो रावण निकला। एक्टिंग के कीड़े को यहीं मार दो वरना वो तुम्हें मार देगा। मुझे एक्टर बनना है, मैं कलाकार बनना चाहता हूँ बाबूजी, मारा कलाकार बनूं। स्टेज पर इज्जत होती है एक्टर की, चल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म यानी कि भवाई के शुरुआती दो दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि भवाई फिल्म ने अपने पहले दिन कितने रुपए का कलेक्शन करा और यह फिल्म अपने दूसरे दिन कितने रुपए का कलेक्शन कर रही है इंडिया से। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भवाई जो कि एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं प्रतीक गांधी, फ्लोरा सैनी, राजेश शर्मा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हार्दिक गाजर ने। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के शुरुआती दो दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो एस्टीमेट बजट है वो है लगभग 4 करोड़ रुपए का। और दोस्तों अगर बात करें भवाई फिल्म के शुरुआती दो दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि भवाई फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर से काफी लो ओपनिंग ली है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि भवाई फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन करा है लगभग 33 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म के पहले दिन का ऑल ओवर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है लगभग 45 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन करा है लगभग 45 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि दूसरे दिन इस फिल्म को मॉर्निंग के शोज में लगभग 13% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है। और दोस्तों इस फिल्म का आफ्टरनून और इवनिंग के शोज में भी अगर 13 या 14% के आसपास की ऑक्यूपेंसी देखने को मिलती है तो यह फिल्म अपने दूसरे दिन भी लगभग 30 से 35 लाख रुपए का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है अपने दूसरे दिन पर। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर भवाई फिल्म का शुरुआती दो दिनों का ऑल ओवर इंडिया टोटल नेट कलेक्शन हो जाना है लगभग 65 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 80 से 85 लाख रुपये तक का रह सकता है। और दोस्तों आपको बता दूँ कि जिस तरह से इस फिल्म ने अपने शुरुआती दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर से कलेक्शन करा है उसे देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज या फ्लॉप फिल्म ही साबित रह पाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि जिसने इस फिल्म को देखा है इस फिल्म की काफी ज्यादा तारीफें की गई हैं, साथ ही इस फिल्म के म्यूजिक को भी ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि अगर आपने भवाई फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें पीना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहले ही बार आए हैं तो हमारे और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।